आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से बनने वाली मिठाई की रेसिपी, जिसे आप बहुत ही आसानी से बना सकते हो और बहुत ही कम टाइम में ये मिठाई हमारी बनके तैयार हो जाएगी। जैसे कभी आपने मिठाई नहीं बनाई है तब भी आप इस मिठाई को बना के तैयार कर सकते हो और इतनी ज़्यादा टेस्टी है खाने में। तो वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बनाना। तो इस मिठाई को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक बर्तन लिया है, आप कोई भी बर्तन ले सकते हो जो आपके पास हो। और इसमें हम डालेंगे 1 कप भर के पनीर। पनीर भी आप कोई सा भी ले सकते हो, मार्केट का या घर का बना हुआ पनीर जो आपके पास हो उसका आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने मार्केट के पनीर का यूज़ किया है, उसको अच्छे से मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे मावे जैसे फ्लेवर के लिए मिल्क पाउडर। तो मैंने यहाँ पे 4 चम्मच मिल्क पाउडर लिया है, ये इसमें हम डाल देंगे। और इसी में हम डालेंगे 4 चम्मच चीनी। तो चीनी यहाँ पे हम पिसी हुई चीनी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने मोटी वाली चीनी को मिक्सर जार में डाल के उसको अच्छे से पीस लिया है। तो यहाँ पे मैंने छोटी वाली चम्मच से 4 चम्मच इसमें चीनी का यूज किया है। मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हो, जितना मीठा आपको पसंद हो उस हिसाब से। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिल्क पाउडर डालने से पनीर में बाइंडिंग अच्छी से आ जाएगी। तो हमें अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है। तो ये देखिए, इस तरीके से हमें अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। अब हमें इसे 2 टुकड़ों में बांट देंगे और एक को हमें एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो एक साइड से हमें एक प्लेट में इसे निकाल देंगे और जो हमने आधा पार्ट इसका बचाया था इसमें से भी हम आधा हिस्सा निकाल लेंगे। और इसको आधे हिस्से में हम थोड़ा सा कलर मिला के इसको अच्छे से मिठाई में लुक के लिए डालेंगे। तो यहाँ पे हमें अच्छे से फ्लेवर के लिए इसमें मैंने थोड़ा सा नारियल का बूरा डाला है, जिससे इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और थोड़ा सा यहाँ पे हम डालेंगे फूड कलर। तो यहाँ पे मैंने येलो फूड कलर का यूज किया है और आपके पास जो कलर हो आप वो कलर इसमें यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, इसको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है और बहुत ही अच्छे से इसमें कलर आ जाएगा, जिससे मिठाई भी हमारी दिखने में अच्छी लगेगी। तो इस तरीके से हमें अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसकी हमें छोटी छोटी बॉल्स तोड़ के तैयार करेंगे। तो इस तरीके से हमें इसके छोटे छोटे टुकड़े तोड़ लेंगे। जितनी मोटी आपको बॉल्स बनानी है उस हिसाब से इसे तोड़ के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसके थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग बांट दिया है और इस तरीके से हमें अच्छे से इसे राउंड राउंड शेप में इसके बॉल्स से बना के तैयार कर लेंगे। और इसे बनाना बहुत ही आसान है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और बहुत ही कम टाइम में ये मिठाई हमारी बनके तैयार हो जाती है। ना यहाँ पे हमें मावे की ज़रूरत है, ना हमें यहाँ पे गैस जलाना है, ना हमें यहाँ पे चाशनी बनानी है। बहुत ही आसान है इसे बनाना। और दूसरा जो हमने निकाला था पनीर का, उसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नारियल का बूरा, जिससे इसमें फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। तो इसमें मैंने थोड़ा सा डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी, बस थोड़ा सा। इसमें 2 चम्मच हमने इसमें नारियल का बूरा डाला है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। थोड़ा सा गीला गीला सा लग रहा था तब, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नारियल का बूरा इसमें ऐड किया है, जिससे ये अच्छे से बाइंडिंग भी हो जाएगी और ये खाने में टेस्टी भी लगेगा। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से हमें अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है। अब हमें यहाँ पे इसको अच्छे से मिठाई बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पे व्हाइट वाले पार्ट में से हमें थोड़ा सा इस तरीके से उठाना है और उसको इस तरीके से हमें चिपटा कर लेना है लोई की जैसे। और इसके बीच में हमें येलो वाली जो बॉल्स बना के हमने रखी थी उसको रख के और इसको इस तरीके से हम बंद कर लेंगे, जैसे हम कचौरी वगैरह बनाते हैं उस तरीके से। और फिर हमें इसको अच्छे से शेप दे देंगे। आप कोई भी शेप दे सकते हो जो आपको पसंद हो। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसको राउंड शेप में इसको अच्छे से कर लिया है। तो इस तरीके से हमें इसको अच्छे से बना के तैयार कर लेंगे। तो
तो बहुत ही अच्छे से हमारी मिठाई बनके तैयार होगी और ये शेप बहुत ही अच्छा लगता है दिखने में भी। तो इसी शेप में हमें सारी मिठाइयों को बना के तैयार कर लिया है। तो आप देख सकते हो कितने अच्छे से हमारी मिठाई बनके तैयार हो गई है। अब हम इसमें अच्छे से लुक के लिए हम इस पर लगाएंगे चांदी का वर्क, जिससे मिठाई हमारी दिखने में अच्छी लगे। तो आपके पास चांदी का वर्क है तो आप लगा सकते हो या आप स्किप भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें इस पर अच्छे से वर्क को लगा देंगे, जिससे मिठाई हमारी दिखने में भी अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे इस तरीके से हमें अच्छे से इसे लगा देंगे। तो सारी मिठाइयों पे अपने अच्छे से इसे लगा दिया है। अब हम इस पर डालेंगे पिस्ता। तो यहाँ पे पिस्ता को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और फिर हमें इस पर मिठाई पे अच्छे से लगा देंगे, जिससे मिठाई हमारी दिखने में भी अच्छी लगेगी। तो आपके पास पिस्ता हो तो आप लगा सकते हो, वरना आप स्किप भी कर सकते हो। इसके बिना भी मिठाई हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। तो यहाँ पे हमें इसको अच्छे से लगा दिया है। अब यहाँ पे हमें चम्मच से इसको अच्छे से दबा देंगे, जिससे ये मिठाई में अच्छे से सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे सारी मिठाइयों पे अच्छे से हमने लगा दिया है। तो दिखने में बहुत ही अच्छी लग रही है मिठाई हमारी, बिल्कुल मार्केट जैसी मिठाई हमारी बनके तैयार हुई है। और इस मिठाई को बनाने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, ना हमें इसे घंटों पकाना पड़ेगा और ना ही हमें यहाँ पे इसे बनाने के लिए चाशनी बनानी पड़ेगी। बहुत ही आसान है इसे बनाना और बहुत ही सिंपल तरीके से ये मिठाई हमारी बनके तैयार हो जाती है और बहुत ही टेस्टी लगती है ये खाने में। आप इसे व्रत में भी खा सकते हो या आप कोई भी त्यौहार पे इसे मिठाई को बना के तैयार कर सकते हो। तो इसी तरीके से हमें सारी मिठाइयों को बना के तैयार कर लिया है और आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी सॉफ्ट ये मिठाई बनके तैयार हुई है। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है दिखने में भी और बहुत ही दानेदार और टेस्टी हमारी ये मिठाई बनके तैयार हुई है। तो इसी तरीके से हमें सारी मिठाइयों को बना के तैयार कर लिया है। तो वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पे हमें सारी मिठाई को एक प्लेट में अच्छे से डेकोरेट कर लिया है और बहुत ही टेस्टी लग रही है ये। तो देखिए हमें एक मिठाई को आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि कितनी सॉफ्ट और दानेदार ये मिठाई बनके तैयार हुई है। लग ही नहीं रही कि हमने इसे घर पे बना के तैयार किया है, बिल्कुल मार्केट जैसी हमारी ये मिठाई बनके तैयार हुई है और बहुत ही सॉफ्ट बनके तैयार हुई है, बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं बनी है। इतनी ज़्यादा टेस्टी हमारी ये मिठाई बनके तैयार हुई है। तो इस मिठाई को आप 5 से 6 दिन के लिए स्टोर करके भी रख सकते हो, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।